हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि कोई जो वुड का ब्लॉक है वो पानी के अंदर सिंक करेगा या किसी लिक्विड के अंदर सिंक करेगा, वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रैक्शन पर, ठीक है। तो उसका हमने फॉर्मूला वगैरह पढ़ लिया था। अब देखो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद है ना वो, आपको डेंसिटी ऑफ वुड गिवन है, वुड की डेंसिटी गिवन है 880। सर वो क्वेश्चन का नहीं मिला सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर वो उस दिन दिया था ना 2 मीटर पर सेकेंड एम वी नॉट या कुछ ए नॉट। चलो रॉ वुड दे रखा आपको 880 केजी पर मीटर एंड बेंजीन, आपने पढ़ा हुआ शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन की डेंसिटी दे रखी है आप लोगों को 900 केजी पर मीटर क्यूब, 900 केजी पर मीटर क्यूब। और कितने टेम्परेचर पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डेंसिटी दे रखी है। और गामा, गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। वुड का गामा दे रखा है आपको 1.2 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रो ऑफ बेंजीन दे रखा है आपको, सॉरी, एंड सर एम बेस टू करेगा। एम कहाँ है बेटा? एम क्यूब सर, एम क्यूब, एम क्यूब। और बेंजीन का गामा दे रखा है आपको 1.5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा था। मुझे बताना है एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ वुड जस्ट सिंक इन बेंजीन, जस्ट सिंक इन बेंजीन, कितने टेम्परेचर पर जो वुड है वो बेंजीन पे सिंक हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ट्राई करने की कोशिश करो। तो अभी जो वुड है वो बेंजीन के ऊपर तैर रहा था, ठीक है। अब ये सिंक होना चाहता है, तो एट द मोमेंट ऑफ सिंकिंग, अभी ये इसके ऊपर क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि वुड की डेंसिटी 880 केजी पर मीटर क्यूब है और बेंजीन की डेंसिटी 900 केजी पर मीटर क्यूब है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उस पर फ्लोट करता है, तो इस पर भी फ्लोट कर रहा होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोनों की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। वुड की डेंसिटी भी कम होगी और बेंजीन की डेंसिटी भी कम होगी। और एट द मोमेंट ऑफ सिंकिंग, एट द मोमेंट ऑफ सिंकिंग दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी? रॉ ऑफ वुड, वुड की डेंसिटी और बेंजीन की डेंसिटी दोनों बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? रो डैश ऑफ वुड इक्वल टू रो डैश ऑफ बेंजीन। जब कोई बॉडी, मतलब ये फ्लोट कर रही है, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट क्यों कर रहा है इसके ऊपर? क्योंकि वुड की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर, सॉरी, कम है एज कम्पेयर टू बेंजीन, इसलिए फ्लोट करेगा। क्योंकि हमें पता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे रहता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर रेज करेंगे,
तो जो वुड है इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बेंजीन की डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। अभी सिंक कर रहा है, तो जैसे ही सिंक करने वाला होगा दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, अप्रोक्स इक्वल हो जाएगी, दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तब ये सिंक करने लग जाएगा, सिंक करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आई बात समझ में है? यस सर। ठीक है, तो रॉ डैश कैसे निकालेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन डेंसिटी रो बराबर वन प्लस गामा डेल्टा टी, कभी सुनाई गई है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो ऑफ वुड इंटू वन प्लस गामा ऑफ वुड इंटू डेल्टा टी, रो डैश, अच्छा रो ऑफ बेंजीन वन प्लस गामा ऑफ बेंजीन इंटू डेल्टा टी, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। वुड की डेंसिटी क्या है, 880 वन प्लस गामा ऑफ वुड, गामा ऑफ वुड दे रखा आपको 1.2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, और डेल्टा टी में क्या लिखेंगे हम लोग, टी माइनस, मान लेते हो टेम्परेचर कितना है, टी है, तो टी माइनस 0 करूंगा यहाँ पे, इक्वल टू रो बेंजीन 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा बेंजीन, गामा कितना है 1.5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 टी माइनस 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। yes, तो जो टी की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, टी की वैल्यू आएगी 83.33 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये वुड जो है जस्ट सिंक करेगा किस पे, बेंजीन पे। आया समझ में? स्ट्रिप, नेक्स्ट टॉपिक इज बाय मेटलिक स्ट्रिप, कभी सुना है आपने बेटा? नो सर। आपने कभी ऑटोमेटिक प्रेस, घरों में जो ऑटोमेटिक कपड़ों को प्रेस करने की मशीन है वो है क्या? कपड़ों को प्रेस करते नहीं करते आप लोग, या ऐसे ही पहन लेते हो? करते, कपड़ों को प्रेस नहीं करवाते? करवाते, हम नहीं करते सर। अच्छा, एक तो कोयले वाली मशीन होती है, और आजकल जो घरों में आ रही है बहुत ही लाइट वेट की होती है, वो अपने आप करके होता है। दोनों में अंतर, दोनों का तरीका अलग अलग है बेटा। कोयले वाले तो सर दुकानों पे रखते हैं। हाँ, पहले घरों में भी आती थी एक भारी वाली, तो उसका स्विच क्या होता है, उसमें एक ऑटोमेटिक, जो आजकल ऑटोमेटिक प्रेस आ रही है, काफी लाइट वेट भी होती है वो, तो उसमें जैसे उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने आप बिजली उसकी बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, और फिर जैसे ही ठंडा होता है वापस से वो कनेक्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिक प्रेस के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है। ठीक है, तो टॉपिक डालो बायोमेट्रिक स्ट्रिप, और वो काम कैसे करती है उसके बारे में बताऊंगा मैं। बायोमेटलिक स्ट्रिप, ठीक है, तो बायोमेटलिक स्ट्रिप नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे, दो अलग अलग मेटल्स, दो अलग अलग मेटल्स, उन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाता है, दोनों की जो थिकनेस है वो डी है, इसकी भी थिकनेस डी है और इस वाले की भी थिकनेस डी है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, दोनों की लेंथ एल है, लेकिन दोनों का अल्फा अलग अलग है। अल्फा जानते हो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक का अल्फा वन है एक का अल्फा टू है। ठीक है, ये दोनों कैसे है, टू डिफरेंट मेटल्स,
दो अलग अलग मेटल्स होते हैं, एक का अल्फा वन है एक का अल्फा टू है, ठीक है। मान लेते हैं लेट अल्फा वन ग्रेटर देन होगा अल्फा टू से, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। हाँ सर, ठीक है। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय, नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, टेम्परेचर को हमने डेल्टा थीटा से बढ़ाया, अब क्या होगा इनमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दोनों में क्या होगा एक्सपेंशन होगा। अब ये जो ऊपर वाली रॉड है ये ज्यादा बढ़ना चाहती है और ये नीचे वाली की लेंथ कम एक्सपेंड होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब इनकी शेप इस तरह से कर्व हो जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है। कर सकते हैं सर, मतलब ये दोनों, ये ऊपर वाली जो रॉड है जिसका कोफिशिएंट अल्फा वन है, इसका इसकी लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो सेकंड वाली रॉड है जब हम लोग टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू छोटे वाले नीचे वाले रॉड की। यस सर, तो इस फिनोमेना को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगी, अपने आप को इस तरह से सर्कुलर शेप में अरेंज कर लेगी। आई बात समझ में? यस सर। तो ऊपर वाली की लेंथ हो गई मान लो एल वन और नीचे वाली की लेंथ हो गई एल टू, ठीक है। और अब इसका रेडियस निकालना हमको, कि जो ये रेडियस होगी आर वो आर कितनी होगी। आर जो है वो हम लोग मेजर कर रहे हैं, दो मिनट रुकना, ठीक है। आर जो है वो हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं, इन दोनों के जो मिड पॉइंट है, आर जो है वो यहां से नहीं है, आर यहां से बेटा यहां से आ रहे, यहां से लेके यहां तक की रेडियस। तो ये आर की वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है, ठीक है। इस आर की वैल्यू कितनी होगी इसको हमको निकालना है, या आपके कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया था डायरेक्ट ही, तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी याद रखना है और इसको सॉल्व करके हम लोग, मैं बताता भी हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। और ये जो एंगल है यहाँ पर, एंगल यहाँ पर सपोज करो फाइव बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग उसको देखते हैं। यहां तक की बात समझ में आई बेटा?